चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, राज्यसभा सांसद कार्यकाल होगा समाप्त, सरोज पांडे का कार्यकाल जल्द समाप्त होगा, राजा देवेंद्र प्रताप को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया जाएगा, बीजेपी ने राजा देवेंद्र प्रताप को प्रत्याशी बनाया है, राज परिवार के सदस्य और संघ में सक्रिय है, तो इस लिहाज से भी कहा जा रहा है कि इनका नाम प्राथमिकता से चुना गया है। 27 फरवरी को वोटिंग होगी और सरोज पांडे का कार्यकाल अप्रैल में खत्म होगा। राज्यसभा सांसद का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और सरोज पांडे जो कि राज्यसभा सांसद अब हम कह सकते हैं कि थी, क्योंकि अप्रैल में उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। करिश्मा हमारी सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुकी है हमारे साथ, करिश्मा से ज्यादा जानकारी ले लेंगे। करिश्मा, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का कार्यकाल बहुत जल्द खत्म होने वाला है और ऐसे में अब बीजेपी ने राजा देवेंद्र प्रताप को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। जी बिल्कुल, आपको बताते कि वर्तमान में रायगढ़ के लैलूंगा क्षेत्र से जो है जिला पंचायत सदस्य है देवेंद्र प्रताप सिंह। और उसके बाद आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 5 राज्यसभा सीटें हैं जिसमें से 1 सीट यानी कि सरोज पांडे का जो है कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद देखा जाएगा कि 27 तारीख को ये जो है वोटिंग होगी और इसी दिन जो है निष्कर्ष भी सामने आएंगे। आपको बता दें कि बीती रात जो है भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र प्रताप सिंह को जो है प्रत्याशी घोषित किया राज्यसभा सीट के लिए। और साथ ही में बता दें कि लगातार जो है देवेंद्र प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और उनका जो है एक बहुत ही अच्छा एक्टिव बॉडी के रूप में भी देखा जाता है। हमेशा उनके जो है कार्यकाल में देखा जाता है कि वो किस तरीके से काम करते हैं और लगातार सक्रिय भी है, संघ के आदमी है। और देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो संघ के लोग होते हैं उन्हें प्राथमिकता देते हैं। साथ ही में अगर आप बात करें कि किस क्षेत्र से आते हैं तो आपको बता दें कि लगातार जो है रायगढ़ क्षेत्र में जो है ये सक्रिय नजर आते हैं। उसके साथ साथ जो है देवेंद्र प्रताप सिंह ने 2005 और 2006 में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री के रूप में जो है कार्यभार संभाला था। उसके बाद देखा जा रहा है कि अनुसूचित जनजाति मोर्चा के लिए भी उन्होंने लगातार काम किया, तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनका जो नाम सामने आया है तो इससे एक बड़ी छवि जो है राज्यसभा सीट पर पड़ने वाली है। और जिस तरीके से 27 तारीख को जो वोटिंग होगी और निष्कर्ष आएगा तो देखा जाएगा कि उसमें हो सकता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को फिर से बड़ी सीट हासिल हो। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए हमारे साथ करिश्मा, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई रायपुर से, जहां अब राज्यसभा सांसद का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। और उससे पहले आपको बता दें कि चुनाव होने हैं, अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव में क्या कुछ परिणाम सामने निकल कर आएंगे।